बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने के उपाय। वास्तु दोषों का हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप इन दोषों को कम खर्च में और बिना किसी तोड़फोड़ के दूर करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. दिशाओं का ध्यान रखें। सोने का कमरा। अपना बिस्तर इस प्रकार रखें कि सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में हो। पूजा स्थान। पूजा स्थान को हमेशा ईशान कोण में रखें। रसोई। रसोई को दक्षिण, पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। मुख्य द्वार। मुख्य द्वार को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। 2. रंगों का प्रयोग। नीला रंग शांति और समृद्धि के लिए नीले रंग का प्रयोग करें। हरा रंग स्वास्थ्य और विकास के लिए हरे रंग का प्रयोग करें। पीला रंग सफलता और समृद्धि के लिए पीले रंग का प्रयोग करें। सफेद रंग सकारात्मक ऊर्जा के लिए सफेद रंग का प्रयोग करें। 3. प्रकाश व्यवस्था। घर में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश आने दें। शाम के समय घर में उज्ज्वल और सकारात्मक रोशनी का प्रयोग करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दीपक जलाएं। 4. दर्पणों का प्रयोग। दर्पणों का प्रयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करें। दर्पणों को इस प्रकार रखें कि उनमें नकारात्मक चीजों का प्रतिबिंब न दिखे। टूटे हुए या दरार वाले दर्पणों को तुरंत बदल दें। 5. फर्नीचर का चुनाव। भारी और दबाव वाले फर्नीचर से बचें। खुले और हल्के फर्नीचर का प्रयोग करें। फर्नीचर को इस प्रकार रखें कि वे घर में ऊर्जा के प्रवाह में बाधा न डालें। 6. शुद्धिकरण। नियमित रूप से अपने घर की सफाई करें। घर में धूप और हवा आने दें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में धूप का दिया जलाएं या कपूर जलाएं। 7. पौधों का प्रयोग। घर में हरी भरी पौधे लगाएं। पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। तुलसी, मनी प्लांट और एलोवेरा जैसे पौधे वास्तु के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। 8. वास्तु यंत्रों का प्रयोग। आप अपने घर में वास्तु यंत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। वास्तु यंत्रों को स्थापित करने से पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। इन उपायों के अलावा आप निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार का कबाड़ या अनावश्यक सामान न रखें। घर में टूटी फूटी चीजों को तुरंत ठीक कर दें या बदल दें।